Assalamualaikum नाज़रीन हज़रात, वेलकम बैक टू आवर शो। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही एक्साइटिंग ऐप के बारे में बात करने जा रहे हैं, आई फतवा। जी हाँ, स्वाइप राइट से वाजिबुल कत्ल और स्वाइप लेफ्ट से माफी, लेकिन बहुत सारे उलमा के मुताबिक ये ऐप दीनी रवायत के खिलाफ है। इस पे बात करने के लिए हमारे पास आज मौजूद है मुफ्ती हसीब साहब और मोहम्मद राफी साहब। मुफ्ती साहब, आपसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कि ये ऐप का मसला है क्या? मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर किसी का हक ये नहीं है कि वो अपने मजहब को डिफेंड कर सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। बेटा, बात सादी सी है कि जब कोई बीमार होता है तो वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, ना कि किसी ऐप से रुजू करता है। तो इसी तरह जब कोई फतवा चाहिए तो किसी मुफ्ती से रुजू करना चाहिए, ना कि किसी ऐप से रुजू करना। डेढ़ ईंट की मस्जिदों में बैठकर बातें ही करते रहेंगे। मैं बताता हूँ, इनको मसला ये है कि आई फतवा ने तो इनको इररिलेवेंट बना दिया। देखिए, आप एक फोन की स्क्रीन के जरिए और किसी को जाने बगैर और उनकी नीयत को जाने बगैर आप कैसे उनकी जिंदगी का फैसला दे सकते हैं? सुने जी, केस पर 10,000 वोट के बगैर तो कोई असर ही नहीं होता। और स्वाइप लेफ्ट से तो माफी की ऑप्शन भी है। मुफ्ती साहब, आपने ऐप डाउनलोड भी की है? की है आपने? ऐप नहीं की और ना ही करूंगा। मुझे आपकी बात से बहुत शदीद किस्म का इख्तलाफ है और अब आपको हमारी बात सुननी होगी। आप मुझे जरा ये बताएं कि ये जो अजर बोर्ड है, ये इसका क्या मामला है भाई? मतलब जितने आप कत्ल करोगे उतने ज्यादा पॉइंट, और ये एक स्वाइप से आप किसी को वाजिबुल कत्ल कैसे करार दे सकते हैं भाई? ये आप हमारे दीन का नऊज़ु बिल्ला मजाक उड़ा रहे हैं। नऊज़ु बिल्ला, आप लोग ऐसी बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हमारी नौजवान नस्ल पर हमें बहुत फख्र है और इंशाल्लाह ये हमें मुल्क दुश्मनों और दीन दुश्मन अनासर से बचाएंगे। थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। छड़ दे फोन बगैर था, मैं तेरे डेले कर दवांगी। मैं इससे बह के भी एक दो ही काम, टिक 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 फोन से सारा दिन। आजकल से एक दो ही बीमारी है। जनाब, आप ज्यादती कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था ना कि इस घर में हम 12 साल से रह रहे हैं। नहीं नहीं, आप बात समझते, समझने की कोशिश करें ना बात को। थानू कागज भी विखाए ने, तुहाडे वकील ने यस भी कर दी। सेठ साहब नु कहो ना कि मकान इंज ते नहीं खाली होंदे। तुसी हेलो 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 जगना, मुझे अपनी घड़ी दो के मैं प्रॉमिस खराब नहीं करूंगी। डालो
बार गले में टमाटर दिए ना मुझे, तो तुम्हारा स्वाइप राइट पक्का। अच्छा अल्लाह के नाम से कुछ दे दें, बहुत बहुत भूख लगी है। माफ करो यार अंकल, वो आई फसवा के बारे में नहीं, कल दुपट्टे के बगैर फिर भी थी ना कॉलेज में, म्यूजिक फैशन में आ रही थी, आ गया ना केस उसका आई फसवा का। बच्चों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़िंदगी से हम जो सबक सीखते हैं वो ये कि अगर आप किसी को दिल से माफ़ कर दो तो अल्लाह इस बात का बहुत सवाब देता है, और अगर आपने ख़ुद किसी का दिल दुखाया हो तो उससे खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात का भी बहुत अजर है।
चुपन कमरों में बैठे हैं, उंगली औरों पे उठाते हैं, चेहरे अपने भूल जाते हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये जो इज्जत पे मार डालते हैं, हाथों पे हाथ रे बैठे हैं, फिर अमन के गीत जो गाते हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, खुदा के नाम पे निकले हैं, दहशत हर सू फैलाते हैं, इन्हें देख के चुप चुप बैठे हैं, ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये हम हैं।